अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और सेम कुछ इस तरह आज हमारा है कॉलेज ट्रिप। हमारा जो ट्रिप है वो खेड़ा माइंस जा रहा है चकवाल में। हाँ, और बाहर मतलब मौसम फुल हैवी बारिश हो रही है और बाहर भी नहीं निकला जा रहा। भी बड़ी मुश्किल से नाश्ते भी किए थे और वहाँ से आए तो भी हम निकल चुके हैं। हाउस से बाहर होने लगे अभी। ये वो जहन आ गई है, ये बट और गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। यार अमल, ये क्या तरीका है यार, अभी तक गाड़ी नहीं आया यार। सर ये जो सारे मेरे सारे ब्लॉग देखते हैं सर, आई एम थैंकफुल टू यू। यूर वेलकम। साहब कितना टाइम रहते हैं यार? बस हो गई है, बस हो गई है। अभी हम चिंता मैं पूछते हैं तो फिर आपको अपडेट देते हैं। ये जैन साहब आपको रखते जाते हैं आपके क्यों जैन ऐसे ही है। कट 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 कट। हाँ क्या बोलना गाइस, जैसा कि अब हम चकवाल पहुँच गए सही है, तो तकरीबन 40-50 मिनट का सफर रह गया। और एक ये सोया पड़ा है। फाइनली खेबड़ा माइंस पहुंच गए। कैसा एक्सपीरियंस रहा रियान भाई? एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा, 8 घंटे की फ्लाइट। उसके बाद हम ये दुनिया का गंदा तरीन परफेक्ट तरीन गंदा सफर था। मतलब 8 घंटे से हम और अब तक नहीं पहुंचे। 8 बजे चले थे और अभी मेरे ख्याल में खड़े हैं जी, टिकटें ही नहीं आ रही। एक घंटा लग रही है जी बस। ये खेबड़ा माइंस नहीं पड़ा हुआ है, ये भी हमने अंदर जाना है खेबड़ा माइंस के और देखते हैं कि क्या है। वो मेरे ख्याल में सर टिकट ले आए। ये भी इसकी स्टार्टिंग है, मतलब एंड तक ही जाती जा रही है। और जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं तो ये मयूर भाई हमारे व्लॉगर भाई सही है, तो इस टाइम थक चुके हैं तो मैं व्लॉगिंग करके सही करूंगा। और ये एम एस बड़ भाई, एम एस भाई आप कुछ कहना चाहेंगे या नहीं? और ये ट्रेन है नीचे, ट्रेन ही गुजरती है ना इधर से, ट्रिप गुजरती है। अच्छा तो ये रियान भाई अपना फीडबैक देंगे कोई या नहीं? एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा नहीं जा रहा, आगे शायद आगे भी अच्छी चीज़ देंगे। अच्छा और ये रियान भाई का कहना है कि मतलब कोई इतना अच्छा खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि मियां मेरा अच्छा था, उसने बहुत ट्रिप पूरी तरह बर्बाद कर दिया पकड़ के। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला? अच्छा मयूर भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। नहीं आपने कुछ बोला अभी? कुछ भी नहीं बोला। अच्छा कर रहे हैं। और ये हमारे मियां मेराज भाई के साथ जो कि इस टाइम बहुत ही फारिग इंसान है, गुजरती है
मुझे लग रहा है कि कुछ एक्साइटेड होने वाला है, लेकिन लग नहीं रहा, फिर भी मुझे फील ऐसा आ रहा है कि ऐसे में कुछ होने वाला है। ठीक है, मैं तो गालियाँ दी थी वो भी ठीक है, चलेंगी। ये देखें हमारी मतलब बस इतना ज़्यादा नहीं, ये थी तीन चार रस्ते आके अलग हो जाते हैं, एक ये गुफा जा रही अलग, एक ये और एक ये जिससे भी हम आए। हाँ क्या यार, यार ये कुछ इसका पानी है मतलब इस तरह की ऐसी नहीं, और कोई बंदा शंदा ऊपर चल सकता है कुछ इस तरह, पता नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो, इसका टेम्परेचर बहुत मतलब लेस होता है इस पानी का, नमक होता है इसके अंदर। गुड यार, बाकी खुद मतलब ये भी हैवी रिफ्लेक्शन है, ये ऊपर वाली चीज़ लग रहा फुल नीचे इसकी एंड वही लेयर है, साल्ट की टाइप्स हैं। ये चेक कर यार, वाइट रॉक सॉल्ट है ये, उसके बाद ब्लैक सॉल्ट है, क्रिस्टल है, उसके बाद ये कलाबाग माइन सॉल्ट है, उसके बाद ये माइन सॉल्ट क्रिस्टल रॉक सॉल्ट है। काफ़ी ट्रिप्स भी हमने अभी देखे हैं, काफ़ी स्कूल्स हमारे अलावा भी आए हुए हैं, और ये कोई मस्जिद बनाई हुई है, और मतलब कि बहुत ही हैवी मस्जिद है यार, चेक तो कर। ये स्टोन ग्लो किस तरह कर रहे हैं यार, और ये अभी इधर मस्जिद वगैरह बनाई है, और अभी इधर मतलब बोलते हैं काफ़ी चीज़ें इस तरह की आर्टिफिशियल बनवाई है, बनाई हुई है। ये क्या चीज़ है, ये तो सिंपल रूम ही है, ऊपर से तो मतलब क्या है अभी सीन है यार, अभी वो ज़्यादा ही ऊपर हो गया, वो सामने राम मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है, ये राम मीनार पाकिस्तान आर्टिफिशियल मीनार पाकिस्तान, और मतलब अभी आगे भी काफ़ी एंड तक काफ़ी चीज़ें हैं। रेल झेल है, और ये इधर भी काफ़ी एंड तक कुछ चीज़ बनी हुई है, हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ साल्ट माइंस खेबरा सारी इधर बताई हुई है। अच्छा, हम काफ़ी देर से सोचते थे ये खुद ब खुद ग्लो कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर लाइट्स लगाई गई हैं जिसकी वजह से ये ग्लो कर रहे हैं, और यही जिस तरह ये इनमें से ये आप ब्लिंक भी कर रही है, तो इनके अंदर लाइट्स फिक्स की गई हैं जिसकी वजह से ग्लो कर रहे हैं। हाँ, तो अभी खेबरा माइन से हम एग्जिट होने लगे वापस, और जो जो चीज़ें दिखाई बस उसके अलावा पे कुछ भी नहीं था भाई, चीज़ें बहुत बेहतरीन थी। अंदर जो मस्जिद बनाई थी माशाल्लाह वो बहुत प्यारी थी, नमक की मस्जिद बनी। अच्छा, लेकिन यार बचपन में जो स्कूल वगैरह के साथ ट्रिप पर जाते थे तब बड़ा मज़ा आता था, और अभी नहीं आया, फोका सा लगा। ये देखें इस तरह के लोग जब सामने आ जाए तो फिर ट्रिप वैसे ही फारग है। आ गए जी अभी ब्लॉग में, थैंक यू यार। ये हमारे हेड बॉय जो कि लग नहीं रहे हमारे हेड बॉय, लेकिन हमारे हेड बॉय, और ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू यार, थैंक यू। हियर एंड देयर द ट्रिप इज गोन एंड, अभी हम हमारे तो ट्रिप के साथ है, लेकिन ये ट्रिप हमारे लिए एक बन गया ऐसे है कि नहीं यार, क्या 8 घंटे का सफर, अब ना कुछ खाने को ना पीने को, कुछ इधर चीज़ देखने का भी क्या था, कुछ भी नहीं था। अभी हो रही हैं गाड़ियाँ फिर से हो रही हैं, फिर बच्चे आते हैं, फिर हमने किधर जाना खाने के, खाना खाने को, फिर वहाँ से जाएंगे कॉलेज, पता नहीं किस टाइम तक कॉलेज पहुँचते, और बैटरी भी मेरी 9% में जा रही है, तो देखते हैं मोबाइल कब तक साथ देते हैं। वहीं हम लोग अभी रुके हैं खाना शाना खाने के लिए, रिहान हाल टाइट ही है पुल ये बट जैन, और ये हमारा होटल में हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, ये पीछे भी देख रहे हैं आप, खाने को अलग अगर कुछ अच्छा मिलते बाकी तो माहौल तो अच्छा ही लग रहा है। सर जी आपकी क्या हालत हो रही है सर, बस हमारी थी स्लो लेकिन हम बड़े तेज थे। अच्छा सही, हम लोग और फाइनली हम लोग मेरे ख्याल में 1 या 2 बजे जाके कॉलेज पहुंचे थे,
ये भी इसको पता नहीं क्या मसला हो रहा है, ये बिल्कुल बिला वजह। और बीच रास्ते में मोटर में हमारा टायर भी पंचर हुआ था, बट किसी ना किसी तरह करके हम कॉलेज पहुंच गए थे। नहीं मैंने तो नहीं किया था, लेकिन जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया था। हाँ तो आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ बोल दे। अल्लाह हाँ गुड। منظریش خشک و زردم، خودم را بی تو گم کردم.